नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनके समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। मार्च 2020 है, चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि षष्ठी है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, बसंत ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 5 है और सावन माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि षष्ठी रात्रि में 3:15 तक, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रोहिणी दिन में 5:18 तक, उसके उपरांत वृक्षरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग आयुष्मान साय 6:18 तक, उसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलाव दिन में 2:38 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:24 पर और सूर्यास्त 6:39 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल शनि और बृहस्पति मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, शुक्र वृष राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अगले दिन सूर्योदय पूर्व 6:06 पर। व्रत त्यौहार की बात करें तो स्कंद षष्ठी व्रत आज है, यमुना जयंती आज है, राजस्थान स्थापना दिवस आज है, रोहिणी व्रत जैन समुदाय का आज है, अशोका षष्ठी बंगाल में आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:56 तक है, शुभ का चौघड़िया 9:28 से 11:00 तक है, चर का चौघड़िया 2:00 से लेकर के 3:35 तक है और लाभ और अमृत के चौघड़िया 3:35 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9:00 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो प्रातःकाल सूर्योदयकालीन सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा और शुक्र साथ है। चंद्रमा और शुक्र के साथ होने का अर्थ क्या है मित्रों? चंद्रमा और शुक्र के साथ होने का अर्थ यह है कि आज अगर आप चाहें तो अपने मन को पूरी तरह से उत्साह और पॉजिटिव कार्यों में लगा सकते हैं, सकारात्मकता की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें अपने घर पे हैं, अकेले हैं, लेकिन आपको निरंतर ये प्रयास करते रहना है कि किस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों को निराश होने से रोक सकें। ये सारी स्थितियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। शुक्र के साथ चंद्रमा का होना एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है मित्रों जहां आप उम्मीद की कोई आपको किरण दिखाई दे, आपको लगे कि ये ऐसा ऐसा हो गया तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा, अपने कार्यों में अपने विचारों में ये बहुत बेहतर सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप कलाकार हैं, यानी कि आप कला से जुड़े हुए हैं, तो अपने घर पर ही, अपने स्तर पर ही, अपनी जगह पर ही बैठ करके आप कोई ड्राइंग, पेंटिंग या कोई लेखन या कोई ऐसी चीज आप कर सकते हैं, ऐसा विचार लिख सकते हैं जो भविष्य में बहुत बड़ा हो जाए, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, तो उसका भी दिन आज हो सकता है। साथ ही साथ राहु और केतु का अपनी अपनी स्थितियों के अंदर इस पूरे जो सितारे हैं इन सबको साथ होल्ड करना, तो आज के दिन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके लिए अपन कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति और प्रतिभाशाली और बहुत ही तेज दिमाग और ऐसे बच्चे आज के दिन के अंदर आ सकते हैं जो बहुत ही जिद्दी हों और अपने कार्यों को जहाँ ठान लें कि ये कार्य करने, मंगल उच्च का खेल के अंदर ऐसी प्रतिभाएं आप प्राप्त कर सकते हैं आज के दिन के अंदर जिनका कोई मुकाबला ना कर पाए। उत्साह और जो दक्षता है, शारीरिक दक्षता, उसमें उनकी उनको कौन हरा पाएगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मंगल और शनि का साथ होना, उच्च के मंगल के साथ शनि हो रहा, उसके साथ फिर बृहस्पति, अद्भुत संयोग है। तो आज के दिन के अंदर वो लोग
जीवन में आ रहे हैं, जिन लोगों के अंदर अपने इरादों को लेकर बहुत ऊंचे प्रकार की दृढ़ता, बड़ा ही संघर्ष करने की बड़ी ऊंची मादा और बड़ा ही गजब का उत्साह उनके अंदर देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों का आज जन्म हो रहा है। अगर कोई बच्चे जन्म ले रहे हैं आज, तो उनकी ये स्थिति हो सकती है। साथ ही साथ आज के दिन के अंदर वाणी के प्रभाव को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बुध जो है वो शनि की राशि के अंदर, शनि की राशि में बुध थोड़ा निराशाजनक बात कह सकता है। तो अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवारजन के अंदर कोई भी आप निराशाजनक बातचीत ना करें, इसका ख्याल रखें। कोई ऐसा सेंटेंस आपके मन में आ भी रहा हो, निराशा के भाव आ भी रहे हो, तो उसको डिलीवर ना करें। कोई नकारात्मकता आपके मन के अंदर है तो भी किसी को कहें ना, उस नकारात्मकता के बारे में बात ना करें। और बिल्कुल भी ऐसी स्थिति ना आने दें कि आप अपने धन को किसी ऐसी चीज़ पे दाव पे, उत्साह के अंदर दाव पे लगा बैठें, तो फिर आप वापस कैसे प्राप्त करेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखते हो। तो शेयर्स वगैरह में धन लगाते समय बड़ी सावधानी का दिन है आज ज़्यादा। अगर कोई बहुत ज़रूरी भी आप महसूस कर रहे हो और इसी क्षेत्र में ही काम करते हो, तो भी बहुत समझदारी से काम करने का ये दिन आज का रहना चाहिए। साथ ही साथ आज देखें कि बड़े बुजुर्गों से बात करते समय आज बहुत ही संयम और बहुत एक शब्दों में की गरिमा का ख्याल रखने की आवश्यकता है। नहीं तो बड़े बुजुर्ग आपकी भाषा और आपके व्यवहार से अगर नाराज हुए तो फिर उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जब सूर्य मीन राशि के अंदर हो तो आप अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर अपने विचारों को कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी ऐसी इस तरफ जा सकते हैं जहाँ से आप सोचते हो कि ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, या इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने आप को कुछ बेहतर पाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतर दिन आज का हो सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। देखते हैं भाग्य में स्वास्थ्य मंत्र की। में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जिसमें सुनों से सामान्य व्यक्ति शायद थोड़ा कम परिचित है। हम मानते तो हैं कि ये है, लेकिन इतने सारे गुण हो सकते हैं ये हमारे कल्पना में होते हुए भी, या कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो भी हम उतनी तवज्जो नहीं देते उस औषधि को, या उस पर उतना ध्यान नहीं लगाते, उस पर उसकी गुणों के बारे में परिचित होते हुए भी उसको अपने आहार में शामिल थोड़ा कम करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आंवले की। आंवला बेशक छोटा फल है, लेकिन गुणों के मामले में इसकी कोई तुलना नहीं। मित्रों, आयुर्वेद में आंवला एक ऐसी विशिष्ट औषधि के रूप में माना जाता है जिसमें अपनी बढ़ती उम्र को मानो थाम के रखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एंटी एजिंग एक चीज़ आपके पास में, एक ही चीज़ से आप काम में लेना चाहते हो, तो वो आंवला है। अगर आप चाहते हैं कि उम्र का कोई प्रभाव आप पर ना हो, उम्र के संबंध में आप अपने शरीर के अंदर लगातार अपने आप को मजबूत रखना चाहते हो, तो आपको आंवले का लगातार सेवन करना चाहिए। आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी हमारे शरीर में एक सेफ्टी गार्ड की तरह से होता है। सभी संक्रमण और गलत जीवन शैली से होने वाले रोगों से शरीर की रक्षा करने में विटामिन सी का जितना उपयोग है आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई दूसरी चीज़ आपको कौन ऐसी क्या और हो सकती है। आंवले की खास बात यह है कि इसे पकाने पर भी इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात विटामिन सी में ये होती है कि जैसे ही आप उसे गर्म करते हैं तो विटामिन सी ज़्यादातर चीज़ों में से, सब्जियों में से, फलों में से निकल जाता है, लेकिन आंवले के अंदर उसको गर्म करने पर भी ये नष्ट नहीं होता विटामिन सी। तो बाकी सभी पदार्थों का विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट होता है, लेकिन आंवले का नहीं होता। इसमें कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवला त्वचा और बालों की आजकल बहुत चिंता है। बहुत जल्दी कम उम्र के अंदर बाल सफ़ेद जाते हैं, या बालों के अंदर डेंड्रफ, या बालों के बहुत सारे रोग हम देखते हैं कि बाल कम होते जा रहे हैं आजकल बहुत युवा लोगों के भी। तो बाल दोनों के लिए, त्वचा और बाल दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवले को दैनिक आहार का हिस्सा बना लेने पर मनुष्य के बाल वृद्ध होने तक भी प्रायः सफ़ेद नहीं होते देखे गए। साथ ही त्वचा की चमक भी कम नहीं होती और आप वृद्धावस्था तक एक चमकदार आपके स्किन जो है
वो ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है। आंवले में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तो एक चीज़ के अंदर देखिए आपके इतने गुण हैं। आंवले का सेवन करने से शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी से होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। वहीं यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुण होने होते हैं जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। ये फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को नियंत्रित कर बढ़ते उम्र के प्रभाव को कम कर सकता है। इसके सेवन से आपका शरीर डीऑक्सीफाइड होता है और शरीर के विषैले पदार्थ मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। आंवले को हर रोज अपने आहार में शामिल किया जा सकता है। अगर किया जाए तो न सिर्फ आंखों की रोशनी तेज होगी बल्कि आंखों में संक्रमण से होने वाले खतरा भी कम होता चला जाएगा। ये शरीर की मोटाबल क्रियाशीलता बढ़ाता है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। आंवले का चूर्ण भोजन पचाने में भी बहुत सहायक होता है। ये किडनी में होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है और किडनी में पथरी बनने से भी रोकता है। हृदय की मांसपेशियों के लिए यह फायदेमंद होता है। एक आंवला प्रतिदिन सेवन करके हम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आंवले का सेवन अचार, आंवले का मुरब्बा, जूस, चूर्ण के रूप में किया जाता है। तो आंवले के इतने गुण हैं मित्रों कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक अकेली चीज़ हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। तो मैं नित्य सुबह अगर एक आंवले के जो है सेवन करते हैं तो हम सभी प्रकार के रोगों से न सिर्फ मुक्त हो सकते हैं बल्कि मुक्त होने की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी एज को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ा सकते हैं, जो आज के दिन में तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो अपने भोजन में आंवले का जिस तरह भी आप सेवन कर सकते हो करना चाहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।